सार बनाए जा रहे हैं। मुसलमान लाते हम बहुत कम 100% में और 10% लगते हैं और 90% सब उसी में बस आतंकवादी बंदे चले जाते हैं। दाढ़ी ऐसे दाढ़ी मुल्ले पादरी ऐसे जब जो होते हैं ये सब मुल्ले पादरी हम लोगों को भविष्य को बिगाड़ने में अगर अच्छे के अगर जो संगत पाता तो ज्यादातर बिगड़ने के ही रास्ते जाता है और बढ़ने को उतना बनने के रास्ते पर वो सीधे नहीं जा सकता है। इसलिए अगर मुसलमान ज्यादातर सोचते हैं कि हिंदू जो है कि हिंदू को भ्रष्ट करके ये जो पूरा देश अपना है उसके ऊपर कब्जा कर ले उसके ऊपर। इसलिए कुरान में लिखा है शायद उसमें कि काफिरों का मुड़ी काट कर उसपे पैसा कमाओ वो सब पुण्य का काम होगा उससे। ये कौन बताया है आपको कि लिखा है? ये हम लोग भारत का भविष्य छोटी सी पुस्तक है उसमें साथ हमने पढ़ा था। इसमें लिखा है तुम काफिरों का कहना कहा न मानो और उनसे बड़े जोरों से युद्ध करो। और उसमें लिखा है ए मुसलमानों जब तुम काफिरों से भिड़ो उनकी गर्दन उड़ा दो और यहाँ तक कि जब उनका कत्ल न कर सको तो वे जिंदा पकड़ जाते उन्हें मजबूती से कैद कर लो। कुरान के बारे में ऐसी ही बात लिखा गया है जो कि हमारे वेद की विरुद्ध है। और आपको लगता है कि ये सब सही लिखा गया है? सही लिखा है। तो आप तो इससे अब निपटने के लिए क्या करेंगे? हम इससे निपटने के लिए आर्यवीर दल की एक बड़ी सेना बनाएंगे जिसे काफिरों और मुसलमानों मुस्लिमों आतंकवादियों जितने भी हैं उस आतंकवादियों को हम जड़े जड़े सुनाने का उनके नाक चले चबाने के लिए हम काम करेंगे। आप भी एक किताब पढ़े हैं आतंकवाद और भारत का भविष्य। आपका कोई मुसलमान दोस्त है? नहीं। कोई मुसलमान दोस्त नहीं? मुसलमान से क्यों नहीं दोस्ती करते हैं? हमारे मोहल्ले में कोई मुसलमान नहीं है, मोहल्ले से दूर में। तो उनसे आपका दोस्ती नहीं हुआ? मिलेगा तो करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? आपको कोई मुसलमान मिलेगा तो उससे दोस्ती क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने से मुझे ये पता चला कि उसको भी वो भी आतंक फैलाते हैं। तो आप मुसलमानों से दोस्ती नहीं करेंगे? नहीं। किताब नहीं पढ़े होते तो आप करते? जी मिलते तो अब मिलेंगे तो भी नहीं करेंगे ना? नहीं। 2006 में इसका उद्घाटन करवाया था श्री आदित्यनाथ योगी गोरखपुर के हैं उनके द्वारा। ये जो लाठी भांजना सिखाया जा रहा है तो इससे क्या सैनिक प्रवृत्ति में बनाई जा रही है? सैनिक प्रवृत्ति क्यों जरूरी है? क्यों? समाज में रहने के लिए जीवन सबसे बड़ा संघर्ष आप जानते हैं, जीवन का संघर्ष भी सबसे बड़ा संघर्ष है, वो भी आध्यात्मिक संघर्ष सबसे बड़ा संघर्ष। आध्यात्मिक संघर्ष में लाठी की क्या जरूरत? इसके लिए पुष्ट होंगे, बलिष्ठ होंगे, आत्मबल बढ़ेगा तब बढ़ेगा अपने को। एक तो आप जानते हैं कि मिलिट्री स्पिरिट ऐसी स्पिरिट है जिसमें करना ही सिखाया जाता है। देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर्स नॉट टू रीजन वाई, देयर्स बट टू डू एंड डाई। कोई भी उस पर आपत्ति नहीं करता, सैनिक जो है जो आदेश हुआ उसका पालन करता है, चाहे महान विपत्ति का कारण भी बने। तो ये स्पिरिट में भरी जाती है। दूसरे इसके माध्यम से अपने जीवन की रक्षा ये कर सकते हैं, इसके माध्यम से इनमें आत्मबल बढ़ेगा और शत्रुओं को भी भयभीत ये करेंगे, अपनी रक्षा भी करेंगे। इसलिए यही नहीं लाठी तलवार और कटार सब कुछ सिखाया जाता है जो सैनिकों को। निचले स्तर पर चल रहा सैनिकरण का ये प्रयोग गुजरात दोहराने के उद्घोष के साथ ऊपरी सतह पर भी दिखने लगा है। इसने जहां एक ओर मुसलमानों और पिछड़ों के मजबूत राजनीतिक समीकरण को तोड़कर पिछड़ों में उग्र हिंदुत्व के लिए आकर्षण पैदा किया है तो वहीं मुसलमानों के एक हिस्से को सांप्रदायिक राजनीति के लिए प्रेरित किया है। क्या अच्छा लगता है आपको? योगी जी का जो हिंदुत्व का नारा है, जो राष्ट्र की एकता का नारा है, वही हमको अच्छा लगता है, इसीलिए हम उनके
साथ जुड़े, लेकिन इनके ऊपर तो तमाम तरह के आरोप लगते हैं। इनके तरफ जो आरोप लगते हैं वो राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत लगाए जाते हैं और तमाम पार्टियां से की जाती है, वो अफवाहें हैं, मतलब कोई माने नहीं। योगी जी राजनीतिक आदमी नहीं है, राजनीतिक आदमी तो अलग है, लेकिन तो हिंदुस्तान में जन्म हुआ है, भारत माँ के लाल है, तो भारत माँ के लाल को जो सताएगा तो हम लोग भारत माँ के लालों का दूध कमजोर नहीं है, हम लोग किसी से पीछे। मुझे हिंदू का जो समाज है वो बहुत अच्छा लगता है, वो मुसलमानों का जो है कि ये सब शोषण करते हैं लोग, और हम लोग चाहते हैं कि हिंदू का वर्चस्व और बढ़ाए। एक मतलब हीरो है, हिंदू समाज के हमारे हीरो हैं, और योगी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों अनुसरण करने लायक है, और इसलिए हम लोग उनके हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हैं, उनके कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं, उनके